वन प्लस बना दिए, तो वो लाइन मेरे लिए प्लस वन प्लस प्लस वन, तो बड़ी बहुत पावरफुल लाइन है। तो मैंने कहा नहीं, डिसाइड कर लिया कि जाना है। तो जाने के बाद यही हुआ, सेकेंड डे बहुत परेशान हो गया। दो तीन दिन तक मैं जो भी ऑफिस में रिपोर्ट भेजता था किसी की, वो सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी। तीन दिन तक सोचता रहा, लोगों ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं किया। सोचते सोचते फिर मैं डिसाइड कर लिया, अब बहुत हो गया, अब नहीं करूँगा, फिर अपने आप को मैं कभी माफ नहीं करता। ये सोचते मैं फिर मैंने डिसीजन नहीं किया। उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए, ये था वो था, ना परफॉर्मर था, उनको पता ही नहीं, वो गलती से भूल गए कि हर 10-12 साल उन्होंने मेरे टॉप परफॉर्मर का ऑपरेशन किया हुआ है। तो जिनसे बड़ा दोस्तों दुनिया में कोई नहीं है, ये इनकी इनकी संख्या की प्रॉब्लम है। ये हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं, वो सोचते हैं अभी बदनाम कर दो, बार बार कौन पूछता है, ठीक है। ये ट्रेंड है, ये शुरू हुआ है, आप किसी को बदनाम कर दो, एक्यूज बना दो, जब वो बनी होता है, किसी का आप आतंकवादी बना दिया, बहुत सारी खबरें बनती हैं, जब वो बनी होता है कोई खबर नहीं बनती, अब तक वो बदनाम हो चुका होता है। तो ये इनकी साजिश है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी बातों में किसी को आने की जरूरत नहीं है, और मैं साथ हूँ। अब ये पता, हाँ दूसरी चीज़ लड़कियों के लिए मैं बोलूँगा, AMU के बारे में बोला जाता, डिस्कस होता था कि AMU वो बहुत कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ, मतलब राष्ट्रवादी चैनलों में, सो कॉल्ड राष्ट्रवादी चैनल है, न्यूज़ चैनल, कि AMU बहुत ही वहाँ पे माइंडसेट बड़ा वो है, मतलब सॉरी मुझे कहने में बुरा लग रहा है, लेकिन उनकी बात मैं बता रहा हूँ, लड़कियों को साइड रखा जाता है और बड़ा जुल्म होता है। मैं ये कहूँगा कि ये रिस्पांसिबिलिटी, इस एजुकेशन की रिस्पांसिबिलिटी लड़कियों को दे दी जाए और उन्हें आगे कर दिया जाए। और मुझे पता है, और ये लड़कियाँ ही उनके एजुकेटिंग को प्रॉब्लम हो रही है, जब जो मैं टेलीविज़न की बहुत एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, चार लड़के अगर आ रहे हैं उनका फेस आ गया, अगर चार लड़की आ रही है खूबसूरत, वो रिकॉर्ड हो गया, तो उनको पहले दिखाएंगे, लड़कों को बाद दिखाएंगे। सही बात, ठीक है। वो कहते हैं TRP शॉट, ये बोला जाता है, ये लैंग्वेज टेलीविजन की TRP शॉट। तो मैं कहूँगा कि ठीक है, अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो गई, वो खूबसूरत खूबसूरत लड़की को देख के परेशान है कि निकल कहाँ, ये आ कहाँ से रही है, ये आ कहाँ से रही है, ये कौन मुसलमान तो बड़े पिछड़े होते थे, ये कहाँ से निकल निकल के आ रही है, तो टोपियाँ लगी होती थी, ये लड़कियाँ कहाँ से आ रही है, बड़ी टेंशन उनको, ये वाकई सही बता रहा हूँ, ये बहुत टेंशन है। और मुझे ऐसा लगता है जो इनमें भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो भी इस पर सोच रहे हैं, नहीं मुसलमान जो था अब बदल चुका है, दुनिया की इनकी परेशानी इनका सब कर चुका है, उसकी परेशानी का सबक आप बढ़ा दीजिए। मैं ये कहूँगा लड़की को आगे कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब, हम सबको बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आए, आपने हमारी हौसला अफजाई करी। मुझे बेहतर लगता कि अगर हम सब अपनी पूरी स्ट्रेंथ में यहाँ मौजूद होते, पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारे वाइस चांसलर साहब ने हम लोगों के ज्यादातर साथियों को, हमारे हॉस्टलर्स दोस्तों को वापस भेज दिया है। हालांकि वो ये बात अब डिनाई कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोवोस्ट ऑफिस में नोटिसेस थे उसमें नाम उन्हीं का दिया गया था। खैर, अब किसी भी वजह से हम लोगों को इलीगली वापस भेज दिया गया हो हॉस्टलर्स को, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि वो लोग अपनी जगह वापस ऑक्यूपाई करें यहाँ पर, क्योंकि साइनलाइन तो लगी नहीं है। हम चाह रहे हैं कि सारे स्टूडेंट्स वापस आएँ। आपने हम लोग यहाँ पर जितने भी मौजूद थे उन सबकी हौसला अफजाई करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें रास्ता दिखाया कि कैसे इस मेन स्ट्रीम सीडिशियस चार्जेस जो हमारे ऊपर नेशनल मीडिया लगाता रहता है उसको कैसे काउंटर करा जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि जब हम सब यहां मौजूद होंगे तो आप दोबारा यहां पे आएंगे और हम सब 30,000 स्टूडेंट्स के सामने फिर से इंकलाब के नारे बुलंद करेंगे। ये टीवी मीडिया वाले हमेशा पूछते हैं कि NRC बताइए CA क्या है, सबके माइक में मुंह घुसा दिया, CA क्या है, NRC क्या है, CAP क्या है, जैसे अगला बोलना शुरू कर देता है वो माइक घुमा दूसरी तरफ, ठीक है। तो ऐसा कभी भी हो आप लोगों के साथ कि कोई माइक लेके बताइए क्या है, CAP क्या है, NRC क्या है, तो आप लोग सबसे पहले ये बोलना, पहले तुम बताओ उसके फायदे क्या है।
पहले तुम बता इसका फायदा क्या है, फिर मैं बताऊंगा या बताऊंगा इससे नुकसान आते हैं, इसके आप लोग गौर करिएगा।